हेलो दोस्त, मैं हूं पिनाकी। मेरा चैनल विश्वास टेक इन्फो में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूं टेक्नोलॉजी से जुड़े देश दुनिया की लेटेस्ट न्यूज लेके। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज। रिलायंस जियो ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जियो ग्रुप टॉक। इसके जरिए आप 10 नंबर को एक साथ ऐड कर सकते हो कॉन्फ्रेंस में, और वो भी VoLTE, मतलब आप जो वीडियो कॉल करेंगे इससे एक ही साथ आप 10 आदमी को ऐड करके एक ही साथ वीडियो कॉल कर सकते हो। यह इसका इंटरफेस प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। MWC 2019 मतलब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बार्सिलोना में चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी फोन लॉन्च हो रहा है। यहाँ पर सैमसंग की दो फोन A30 एंड A50 अनाउंस किया है, जहां पर A30 में आपको मिलेगा 6.4 इंच फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, एक्सिनोस 7885 प्रोसेसर, 3+32, 4+64 GB दो भाषण में यह आएगा। और यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड पाई मिलेगा, 4000 mAh की बैटरी एंड USB टाइप सी चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। IP68 जो सर्टिफाइड मतलब वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो रियर की तरफ आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सैमसंग का A50 यहाँ पर आपको मिलेगा 6.4 इंच सुपर एमोलेड वाटर प्रूफ डिस्प्ले, एक्सिनोस 9610 प्रोसेसर, 4+64 GB एंड 6+128 GB भाषण का यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर भी आपको 4000 mAh की बैटरी, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड पाई, USB टाइप सी देखने को मिलेगा। A30 में आपको 3 कलर आएगा और A50 में आपको 4 कलर भाषण में ये फोन आपको मिलेगा। MWC में 1 TB का 2 SD कार्ड यहाँ पर लॉन्च हुआ है, एक है सैंडिस्क का, दो है माइक्रोन का। दोनों ही चिप में आपको 1 TB सपोर्ट मिलेगा। दोनों ही SD कार्ड में आपको Ultra 3 वर्षन A2 मिलेगा, मतलब बहुत फास्ट ये चीफ होने वाला है। यहाँ पर जो सैंडिस्क का जो प्राइस जो पता चला है 449 मार्किन डॉलर, इंडियन मनी में कन्वर्ट करके इसको प्राइस पड़ता है 32,000। 18,000 mAh की बैटरी का एक फोन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस पे लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है एनर्जाइजर P18K पॉप। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.2 इंच IPS डिस्प्ले, हिलियो P70 चिपसेट, 6 GB एंड 128 GB का वर्जन। और यहाँ पर आपको बैक की तरफ मिलेगा 12+5+2 MP ट्रिपल कैमरा। फ्रंट की तरफ आपको मिलेगा 16+2 MP सेल्फी शूटर। और यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड पाई मिलेगा। जो 18,000 mAh की बैटरी के कारण इसका जो थिकनेस होने वाला है ये 18 mm। और यहाँ पर आपको 50 डेज स्टैंड बाई टाइम मिलेगा और 200 आवर्स आपको कंटिन्यूअस वीडियो प्लेबैक मिलेगा। और सबसे बड़ा बात है इस फोन में आपको जो 16+2 MP कैमरा आपको मिलेगा, यह है पॉपअप कैमरा। बहुत ही अच्छा होने वाला है फोन। इस फोन को खरीदने से आपको बैटरी का कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। मीडियाटेक ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में एक नया 5G मॉडेम लॉन्च किया है, जिसका नाम है हिलियो M70। ये मॉडेम 5G सपोर्ट करता है। इसका क्लॉक स्पीड होने वाला है 6 GHz एंड ये 2G से लेकर 5G नेटवर्क सभी नेटवर्क में ये काम करेगा। अब आइए बात कर लेते हैं नोट 7 प्रो के बारे में। Xiaomi का Redmi Note 7 48 MP कैमरा वाला फोन ये चाइना में जनवरी में लॉन्च हुआ था और इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। 28 फरवरी में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। नोट 7 प्रो के बारे में जो पता चला है, टीना वेब सर्टिफिकेशन में ये स्पॉटेड हो गया है। बहुत दमदार स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आने वाला है। इसमें आपको मिलेगा 6.3 इंच वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, रियर में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा। इसमें हाईलाइट बात है, यहाँ पर आपको 48 MP सोनी IMX586 सेंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, 4000 mAh की बैटरी, USB टाइप सी यहाँ पर आपको मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको एंड्रॉइड पाई मिल सकता है। और इसमें जो प्रोसेसर होने वाला है यह स्नैपड्रैगन 660 या 675। Xiaomi का जो Redmi Note 7 जो 28 फरवरी लॉन्च होने वाला है इंडिया में, वो सेम डेट में वो एक ही साथ क्या नोट 7 प्रो भी लॉन्च होगा? जरूर बताना कमेंट में आपको क्या राय है इसके बारे में। अगर मेरा टेक न्यूज अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना, और वीडियो के बारे में आपको कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट में बताना। तो आज के लिए वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। सत्यमेव जयते।